आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। इस हफ्ते हमारा फोकस है उन ऑप्शंस पर जो आपको मदद करने वाले हैं जब पूरी तरह से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। शो के पहले हिस्से में हमने देखा एनवी ग्रीन के 100% बायोडिग्रेडेबल बैग्स। अब बात करते हैं बैंगलोर की सहर मंसूर की। सहर ने बैंगलोर से ही एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल प्लानिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद अपना वेंचर बेयर नेसेसिटी शुरू किया जो ग्राहकों को विकल्प देता है पूरी तरह से जीरो वेस्ट लिविंग अपनाने की। आप जानते हैं जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होता है? क्या इसे अपनाना बन चुका है जरूरी? जानते हैं सहर मंसूर से। ये एक युवा एंटरप्रेन्योर है जिन्हें पर्यावरण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। सहर खुद जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुकी है। Some examples of what I do to live a waste-free life. Use a compostable bamboo toothbrush, make my own toothpaste, soaps and laundry detergent. Compost my food waste, carry my own water bottle, spoon, fork and straw. Shop package-free and take my own containers while I go shopping. लेकिन जीरो वेस्ट लेबल के होम केयर, पर्सनल केयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बाजार में ना के बराबर थे। जहां लोगों में इस कॉन्सेप्ट की जागरूकता लाना बड़ा चैलेंज था, वहीं प्रोडक्ट्स मुहैया करना भी उतना ही जरूरी रहा। इसी के चलते शहर ने जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को प्रोत्साहित करता वेंचर बेयर नेसेसिटीज शुरू किया। हम स्टील का स्पून यूज करते हैं, स्टील का प्लेट यूज करते हैं, व्हाई नॉट यूज अ स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ। तो फिर ये है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील सर्टिफाइड, ये एक स्ट्रॉ रस्ट प्रूफ है और यू नो यू कैन यूज फॉर एंटायर लाइफ टाइम। पर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए माय मॉम्स किचन में और यू नो सोप बनाया, टूथपेस्ट बनाया, कोई कोई एक्सपेरिमेंट्स असफल भी थे और फिर कोई सफल भी थे। तो इसीलिए वी गॉट काइंड ऑफ स्टार्टेड विद आवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आज कंपनी की प्रोडक्ट रेंज में 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ग्राहकों को ऑफर किए जाते हैं। इसमें डेंटल केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर जैसे पर्सनल केयर, कटलरी, स्टेशनरी, कपड़े के बैग्स, मेंस्ट्रुअल कप जैसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशिंग सोप जैसे होम केयर प्रोडक्ट्स की रेंज भी आपको यहाँ मिल जाएगी। शहर ने घर के किचन में एक्सपेरिमेंट करते करते प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू किया। जीरो वेस्ट पैकेजिंग और नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से बने प्रोडक्ट्स बनाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य रहा है। Toothpaste, you probably can't recognize the 22 different chemicals in it. But if you look at our toothpaste, there are just 3-4 ingredients that you recognize. Baking soda, coconut oil, peppermint essential oil. And they all have kind of rooted histories. For example, coconut oil is really good for oil pulling. It has been, we've been using it forever. And Ayurveda has kind of backed that claim. And then baking soda is a natural disinfectant. Peppermint essential oil makes your, you know, makes you fresh and minty ready in the morning. Or coconut oil massages your gums. So we really look at the integrity and design of the product. And it's better for your health, but also better for the environment. There are, I mean, tons of research backed by the World Health Organization that says a lot of the ingredients in your personal care products, the lathering agent, such as the SLS, is a known carcinogen. Cancer se direct link ho chuka hai. Toh isiliye we're using ingredients jo natural hai, chemical free hai. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और जीरो वेस्ट की इस मुहिम को ग्राहकों तक पहुंचाना पहले दिन से ही बड़े चैलेंज की तरह सामने खड़ा था और आज भी है। मार्केटिंग और अवेयरनेस के लिए शहर ने ट्रैश टॉक वर्कशॉप लेनी शुरू की। इसमें न सिर्फ जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की अहमियत उजागर की जाती है बल्कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सिखाने पर भी फोकस किया जाता है। शुरुआत में हमारे पास कोई मार्केटिंग बजट नहीं था तो इसीलिए हमने ये टॉक्स एंड वर्कशॉप्स का आइडिया शुरुआत की और एंड देन वी रियलाइज दैट एक्चुअली हेल्पिंग द इकोसिस्टम बिल्डिंग अवेयरनेस एंड देन वी बिल्डिंग अ कस्टमर बेस। वंस पीपल आर अवेयर देन दे वांट टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स सो यू नो दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। इस स्पेस में बड़े एफएमसीजी दिग्गजों का बोलबाला है। इतने सालों से कंज्यूमर के दिलों पर राज करने वाले ब्रांड्स को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से रिप्लेस करवाना बेयर नेसेसिटीज जैसे स्टार्टअप्स के सामने बड़ी चुनौती है। कंज्यूमर रीच बढ़ाने के लिए शहरों में कॉर्पोरेट्स, होटल्स जैसे B2B कंज्यूमर को कंपनी टारगेट कर रही है। ऑलरेडी जो बड़े FMCG कंपनी है वो हर जगह हर दुकान पर पहुंच चुके हैं। सो इसके अंदर एक तो गवर्नमेंट के जैसे पॉलिसी चेंज ये एक हमारे सहायता कर रहे हैं क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं।
लोग जब उनकी डिमांड अगर चेंज होगी तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड अपने आप चेंज होगी। कई चैलेंजेस से जूझ रहे इस कारोबार में जागरूकता सबसे बड़ा मुद्दा है। इस फ्रंट पर कंपनी इनोवेशन से लड़ने का प्लान बना रही है। इसके चलते एक्सपीरियंस स्टोर शुरू करने पर कंपनी काम कर रही है। अभी हम एक एक्सपीरियंशियल स्टोर क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर लोग आकर के खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे हम खुद से जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो वो सीख सकते हैं किस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो खुद घर में बना सकते हैं, डीआईवाई स्टेशन, या फिर वो खुद अपने जार्स लेकर के आके प्रोडक्ट फिल करके और अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो बस वी वॉन्ट टू रिमूव पैकेजिंग इन बिटवीन। सो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और देखेंगे कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। और तो काफी इंगेजिंग विद कस्टमर वाला रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सरकारी पहल का स्वागत इको फ्रेंडली बिजनेस कम्युनिटी से हो रहा है, लेकिन इसे सही तरह से लागू करने के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी एजेंडा बनाना होगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन रोजगार में निवेश लाना होगा, पैकेजिंग इंडस्ट्री को प्लास्टिक के विकल्प मुहैया करवाना, बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के लिए पैकेजिंग में इनोवेशन, रिसाइकल पैकेजिंग के ऑप्शंस जैसे अलग अलग फ्रंट पर प्लास्टिक बैन को मोटिवेट करने के प्रयास करने होंगे। आज भले ही इसमें लोग उत्साह दिखा रहे हों, लेकिन इसकी अहमियत समझते हुए स्टार्टअप ने पहले भी कदम उठाए हैं। ऐसे ग्रीन बिजनेस को टैक्स में छूट देकर इस मुहिम को बढ़ावा मिलने की मांग स्टार्टअप कम्युनिटी से की जा रही है। कल्पना पाटकर, मुंबई। मुझे पूरी उम्मीद है कि सहर और आश्वस्त के ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे और आप भी एकदम जीरो वेस्ट लिविंग से जुड़ जाएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारी स्मॉल बिजनेस।